नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। बड़ी खबर रीवा से, जहां रायपुर करचुलियान थाने के भाटी गांव में कार को टक्कर मारकर ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। भीषण हादसे में एक बच्ची की मौत की खबर है, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इस दौरान चालक नियंत्रण खो बैठा और ट्रक सड़क के किनारे अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया। घटना रायपुर करचुलियान थाने के भाटी गांव की बताई जा रही है। कार में सवार होकर चार लोग रीवा से मनगवा तरफ जा रहे थे। कार जैसे ही रायपुर करचुलियान थाने के भाटी गांव के समीप पहुंची, तभी सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सड़क के किनारे जा गिरी। इस दौरान ट्रक चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और उसकी गाड़ी सड़क किनारे पलट गई। घटना से अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई। गाड़ी में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया, जिन्हें तत्काल एम्बुलेंस के उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया। इस हादसे में एक बच्ची की मौत की खबर है, जबकि घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे में ट्रक चालक की लापरवाही सामने आई है, जो काफी तेज गति से वाहन चला रहा था। पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को बाहर निकलवाया। उस ट्रेन की गाड़ी, क्या घटना हुई है? घटना ये हुई, ये गाड़ी रीवा की तरफ से आ रही थी, डाला इलाहाबाद की तरफ से आ रहा था। डाला काफी स्पीड में था, इसने ठोकर मारा है, ये भराम से नीचे चली गया है खाई में। और इसके बाद अल्लाह गुहार लगाएं हो गया, अल्लाह गुहार में इतने आदमी इकट्ठा भरें, तब फिर नहीं निकली, फिर गाड़ी ट्रेन के माध्यम से निकाली गई। कितने लोग थे कार में? चार आदमी थे। पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, दो, एक बच्ची थी, एक महिला थी और एक दो पुरुष थे। पुलिस को सूचना दी थी आपने? हाँ, पुलिस को 100 नंबर पर सूचना दिया था। धीरेन्द्र सिंह सबसे पहले आया है 100 नंबर, लेकिन उसके पास में कोई कुछ नहीं था। फिर थाना प्रभारी आया है, तभी अभी कुछ ना कुछ हुआ। वहाँ के ग्रामीण वासी काफ़ी मदद किए हैं उसको निकालने में। पूरा इतना से इतनी दूर से उसका ड्राइवर का घर, ये गाड़ी वाले का बिल्कुल बंद था, दबा था। सबको अस्पताल भेज दिया गया? हाँ, सबको अस्पताल जीएम हॉस्पिटल भेज दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है, इसलिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।